दो सालों से कोविड की वजह कर हज की सर्विस को बंद किया गया था। इस साल वेस्ट बंगाल हज कमेटी ने फिर से हज मुबारक का आगाज किया है। आप इस दुल्हन की जैसी खूबसूरत बिल्डिंग को देख रहे हैं। इस बिल्डिंग का नाम मदीनुल हुजाज है, जो एयरपोर्ट से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर है। इस साल मदीनुल हुजाज से तकरीबन 9,200 हज के पिलग्रिम हज मुबारक को रवाना होंगे, जिसमें से सिर्फ वेस्ट बंगाल से 5,200 हैं और 4,000 बाकी रियासतों से, जिसमें बिहार, झारखंड, आसाम, मणिपुर और उड़ीसा है। आज हज के पिलग्रिम सुबह के 10:05 की फ्लाइट से रवाना हुए, जिसमें तकरीबन 365 लोग थे, जबकि दूसरी फ्लाइट 377 हज के पिलग्रिम को दोपहर के 3:25 में उड़ान भरेगी। मोहम्मद नकवी, जो CEO है, उनके मुताबिक टोटल 25 फ्लाइट्स हैं और आखिरी फ्लाइट 4 जुलाई को होगी। आप लोगों को मदीनुल हुज्जाज के एक रिपोर्ट देता चलूं कि ये 10 मंजिला इमारत है, जो जदीद सहूलियात से लैस है। ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के अलावा हज पिलग्रिम के रिलेटिव के वेटिंग के बंदोबस्त को जहन में रखा गया है। यहाँ खाने पीने के कई सारे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहाँ बिरयानी से लेकर चाय तक दस्तियाब है। इसके अलावा कई सारी तंजीम की वॉलंटरी सर्विस के स्टॉल को भी देखा गया है, जो हज पिलग्रिम के वॉलंटरी सर्विस के लिए लगाया गया है।